दोस्तों अभी मैं हूँ बांसवाड़ा में और देखिए गजब की चीज़ दिखी है। वैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। लेकिन देखिए आप, ये खजूर तो नहीं है, आम का पेड़ है और आम की जो पत्ते हैं वो ज़मीन को छू रहे हैं और आप यहाँ पर आराम से इनके आम तोड़ सकते हैं। अभी शायद आम आए या नहीं आए पता नहीं, लेकिन चलते हैं देखते हैं, आपको दिखाते हैं ये खास आम। तो ये दोस्तों अद्भुत है, ये इनक्रेडिबल इंडिया जो कहते हैं ना। और ये जो हमको दिखाया है खास, आपको दिखाते हैं किसने हमको दिखाया। हम मैं जा रहा हूँ अंदर। ओहो हो, ये देखे दोस्तों गजब ही हो गया है। तो ये आम का पेड़ ही है, लेकिन अभी केरिया इनके आई नहीं। और यहाँ जो मुझे लेके आए उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। हमारे बांसवाड़ा के खास दोस्त भाई कमलेश जी शर्मा। कमलेश जी, ये आपको कहाँ दिखा? ये ओजरिया बाईपास रोड है, बांसवाड़ा से निकलता है, जो कि बांसवाड़ा दोहद मार्ग को जोड़ता है। उस मार्ग पर मैं कई बार निकला हूँ, तो उस दौरान हर बार मुझे ये आम का पेड़ है बहुत अट्रैक्ट करता रहा है। और आज जो मैंने सोचा, चलो आज इसकी क्या खासियत है उसको पास से जाकर देखें। हमारे साथ भाई तारा थे, तो इसलिए मैं उनको यहाँ खींच लाया और सोचा कि चलो इस अद्भुत दृश्य को देश दुनिया तक पहुँचाते हैं। आइए आप भी देखिए ये किस तरह का एक अनोखा आम है, जो कि जिसके पत्ते पेड़ जो ज़मीन को छू रहे हैं। और ये हमारे साथ देखिए जो इस खेत के जो ध्यान रखते हैं सर, आ गया ये इधर। क्या नाम आपका? मंगेलाल। मंगेलाल जी आ गया। ये मंगेलाल जी, पेड़ बिल्कुल जमीन पर टच है पत्ते, तो ये ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, तो ये कितना पुराना है, क्या इसका है? ये हो गया है ना 15-20 साल का हो गया। 20 साल का? हाँ। तो ऐसा तो आम का पेड़ मैं कभी देखा ही नहीं जमीन पर टच है। तो ये कैसे हुआ? बस ये कलम किया हुआ है। हाँ। जो दशहरी आम है। अच्छा। ऊपर डाले जाके वापिस नम गए हैं तो जमीन के अड़ गए। तो ये आम कब तक आएंगे? आम ऐसा आया नहीं, अब आएगा। बाकी एक साल आता है, एक साल नहीं आता। अच्छा, इस बार आएगा? हाँ, नहीं इस साल, अगले साल आएगा। अगले साल आएगा। कितना आम आ जाता है इसके ऊपर पूरे पे? पूरा आ जाता है ना, कम से कम तो 8-10 क्विंटल। 8-10 क्विंटल? हाँ। अरे यार, बहुत गजब की चीज है। तो मतलब मैंने पहली बार देखा कि जमीन पे आम। तो दोस्तों ये खास आम का पेड़ है, मांगीलाल जी है बता रहे हमें कि 15 साल पहले इस पेड़ को लगाया था। देखिए कहते हैं ना कि जितना इंसान झुकता है उतना बड़ा होता है। तो जब रोड से निकलते हैं और इस पेड़ को देखते हैं तो लोग ताज्जुब करते हैं कि यार ये आम का पेड़ इतना नीचे कैसे है। और हमारे साथ आशीष जी भी हैं। आशीष जी इधर ही हैं। बस वहीं दीजिए। कभी देखा आपने ऐसा पेड़ वेड़ क्या? मैंने पहली बार देखा है। आप तो बांसवाड़ा के? आम के बांसवाड़ा के बहुत फेमस है, लेकिन ऐसा आम पहली बार देखा है जो बिल्कुल जमीन से टच करता हुआ है, स्पर्श कर रहा है। ये हूँ मैं ताराचंद। अभी मैं पेड़ के बिल्कुल नीचे हूँ, देखिए आप। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बाहर और गजब का ये नज़ारा है। मैं अपने दोस्तों को बता दूँ, ये देखिए दोस्तों, और कमले जी बाहर आ चुके हैं। गजब। चलिए कमले जी, बाय बोल दीजिए हमारे दोस्तों को। बाय। और चैनल सब्सक्राइब के लिए भी बोल दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए अनएक्सप्लोर इंडिया और ताराचंद गवारिया। ये देखिए दोस्तों, लालची होता है, पहले खुद का चैनल का नाम लिया फिर ताराचंद का। लेकिन कोई दोस्त नहीं, भाई हमारे, ठीक है।